हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे लॉजिक गेट्स के बारे में। जी दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लॉजिक गेट क्या होते हैं, इन्हें किस प्रकार परिभाषित किया जाता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टूडेंट, आपको बताता चलूँ कि ये टॉपिक आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, और लॉजिक गेट से संबंधित एक क्वेश्चन तो आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलता ही है। तो स्टूडेंट, वीडियो लेक्चर को पूरा देखें, फुल बेसिक के साथ पढ़ेंगे सारे लॉजिक गेटों को, यानी कि कितने होते हैं, इनको किस प्रकार परिभाषित किया जाता है, इनके बूलियन व्यंजक क्या होते हैं, प्रत्येक गेट की सत्य तथा सारणी अर्थात ट्रुथ टेबल को किस प्रकार खींचा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो लेक्चर की। तो देखिए स्टूडेंट, लॉजिक गेट जो होते हैं बच्चों पीएन संधि डायोडों से बने, जैसे कि मैं आपको कई वीडियो लेक्चर से बता रहा हूँ पीएन संधि डायोड के बारे में, ठीक है। तो डेफिनेशन को समझें, लॉजिक गेट पीएन संधि डायोडों से बने ऐसे डिजिटल परिपथ होते हैं, जिनके निवेशी तथा निर्गत सिग्नलों के बीच एक तर्कपूर्ण संबंध होता है। यानी इसको शॉर्ट परिभाषा में बोलें तो वे डिजिटल परिपथ जिनके निवेशी तथा निर्गत सिग्नलों के बीच एक तर्कपूर्ण संबंध होता है लॉजिक गेट कहलाते हैं। और मूल लॉजिक गेट जो स्टैंड होते हैं वो आपके तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक आपका होता है स्टैंड आपका ओर गेट, दूसरा होता है बच्चों आपका एंड गेट, और तीसरा होता है बच्चों आपका नॉट गेट। बात समझ में आई, ठीक है। और दो होते हैं बच्चों, इन दो तीनों के अलावा जो आपके दो गेट और हैं उनको बोलते हैं बच्चों हम सार्वत्रिक गेट यानी यूनिवर्सल गेट, ठीक है। उनको उनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ, पहला है आपका बच्चों नॉर गेट, दूसरा आपका बच्चों नैन गेट, ठीक है। तो चलिए मैं पहले इसकी डेफिनेशन को समझाता हूँ, तब बारी बारी से मैं इनके बारे में डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया लॉजिक गेट की डेफिनेशन बता रहा हूँ, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या, देखिए वे डिजिटल परिपथ, आप भी अपने नोट्स में लिख सकते हैं, वे डिजिटल परिपथ जिनके निवेशी तथा निर्गत सिग्नलों के बीच के बीच एक तर्कपूर्ण संबंध होता है, ठीक है। लेकिन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, वे डिजिटल परिपथ जिनके निवेशी तथा निर्गत सिग्नलों के बीच एक तर्कपूर्ण संबंध होता है, कोमा क्या कहलाते हैं, लॉजिक गेट कहलाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये तो बच्चों इसकी डेफिनेशन हो गई, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, यानी वे डिजिटल परिपथ जिनके निवेशी तथा निर्गत सिग्नलों के बीच एक तर्कपूर्ण संबंध होता है, क्या कहलाते हैं बच्चे, आपके लॉजिक गेट कहलाते हैं। बस में आपको, ठीक है। तो लॉजिक गेट बच्चों आपके द्यू आधारी संख्या पद्धति पर कार्य करते हैं, जो आपके लॉजिक गेट होते हैं बच्चों द्यू आधारी संख्या पद्धति पर कार्य करते हैं। और द्विआधारी संख्या पद्धति के अंदर हम दो ही अंकों का यूज करते हैं बच्चों, एक तो जीरो और दूसरा वन, ठीक है। तो द्विआधारी संख्या को समझाएंगे अभी, लेकिन इससे पहले हम समझें कि लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं, पहले हम इसकी बात करते हैं। तो स्टैंड मूल लॉजिक गेट जो होते हैं बच्चों आपके तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो देखूंगा, देखिए तो तीन प्रकार के होते हैं। पहला बच्चों जो होता है आपका बच्चों होता है आपका ओर गेट, बच्चों क्या होता है, ओर गेट होता है, ठीक है, ओर गेट, ठीक है। दूसरे स्टैंड आपका जो दूसरा गेट है वो होता है आपका बच्चों एंड गेट, क्या होता है बच्चों, एंड गेट होता है, ठीक है। और तीसरा जो है बच्चों आपका वो होता है नॉट गेट, ठीक है। तो स्टैंड ये जो आपके तीन गेट है ये आपके मूल लॉजिक गेट है बच्चों, क्या है, आपके मूल लॉजिक गेट है, मूल लॉजिक गेट है, ठीक है। तो इनकी संख्या तो तीन होती है। तो स्टूडेंट आपके पास दो होते हैं सार्वत्रिक गेट, क्या होते हैं बच्चों, सार्वत्रिक गेट, ठीक है। वो कौन कौन से होते हैं, इनको मैं अलग से क्लासिफाई कर देता हूं। देखिए
इसको ए नाम देता हूँ। इसको बोलते हैं बच्चों आपका पहला होता है आपका नोर गेट। क्या होता है बच्चों? नोर गेट। क्या होता है बच्चों? नोर गेट। और दूसरा स्टैंड होता है आपका आपका बच्चों नैंड गेट, एन ए एन डी नैंड गेट। ठीक है, तो स्टैंड ये जो आपके दो गेट हैं ये आपके सार्वत्रिक गेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? आपके सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल गेट। ठीक है, ये आपके बच्चों क्या है? सार्वत्रिक गेट। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी स्टैंड। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि आपके स्टैंड जो मूल लेजिक गेट होते हैं वो आपके तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक आपका ओर गेट, दूसरा आपका एंड गेट, तीसरा आपका नोड गेट। ठीक है, और दो गेट जो होते हैं वो होते हैं बच्चों आपके सार्वत्रिक गेट यानी यूनिवर्सल गेट होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से बच्चों? ओर गेट और नैंड गेट। इन सार्वत्रिक गेटों की विशेषता ये होती है बच्चों, ये जो आपके तीन मूल लॉजिक गेट है, ये जो तीन मूल लॉजिक गेट है, इन गेटों की सहायता से बच्चों हम किसको बनाते हैं? नोर गेट और एंड गेट को बनाते हैं। ये हम आगे चल के आपको सिखाएंगे। ठीक है, यानी ये जो आपके ओर गेट और नोर गेट और एंड गेट होते हैं, नैंड गेट होते हैं, और नोर गेट और नैंड गेट जो होते हैं बच्चों यानी सार्वत्रिक गेट जो होते हैं वो आपके मूल लॉजिक गेटों से ही बनाए जाते हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, अच्छा। तो स्टैंड अब पहले हम बात करेंगे ओर गेट के बारे में। क्या बात करेंगे? हाँ, एक चीज़ मैं और आपको बताता रहा था अभी, एक टॉपिक मैं आपको बता रहा था, द्विआधारी संख्या पद्धति। यानी ये जो आपके लॉजिक गेट होते हैं बच्चों, ठीक है, ये आपके द्विआधारी संख्या पद्धति यानी बाइनरी नंबर सिस्टम पर कार्य करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम पर कार्य करते हैं। ठीक है, और बाइनरी नंबर सिस्टम यानी द्विआधारी संख्या पद्धति में हम केवल बच्चों दो ही डिजिट का यूज करते हैं। दो डिजिट कौन कौन से होते हैं बच्चों? एक तो होता है बच्चों आपका वन और दूसरा होता है बच्चों आपका जीरो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसी बात को याद रखें। आपके जो लॉजिक गेट होते हैं बच्चों आपके बाइनरी नंबर सिस्टम पर कार्य करते हैं, जिसके अंदर केवल हम दो ही डिजिट का यूज करते हैं। नंबर एक तो है आपका वन, वन और दूसरा क्या आपका जीरो। ठीक है, अब दोनों के लिए एक विशेष बात क्या होती है बच्चों? अगर किसी परिपथ के अंदर सिग्नल है अगर, ठीक है, यानी अगर मैं इसको शॉर्ट दूसरी भाषा में समझाऊं, अगर सर्किट आपका ऑन है बच्चों, क्या बच्चों? ऑन है। तो ऑन होगा तो बच्चों वो स्तर एक को दर्शाएगा। बात को समझे, अगर सर्किट ऑन है यानी कुंजी लगी है आपकी, ठीक है, तो वो स्तर एक को दर्शाएगा। और अगर आपका सर्किट क्या बच्चों? ऑफ है। क्या बच्चों? ऑफ है यानी क्लोज है, ठीक है, तो वो आपको जीरो को दिखाएगा। यानी अभी जो हम इसकी जो लॉजिक गेट की जो सारणी बनाएंगे, बूलियन व्यंजक लिखेंगे, ठीक है, तो हम उसके अंदर क्या करेंगे बच्चों? हम केवल दो ही डिजिट का यूज करेंगे, आपका वन और जीरो। ठीक है, वन जो होगा सर्किट ऑन को दर्शाएगा यानी स्विच ऑन को दिखाएगा, ठीक है, और जीरो जो दिखाएगा आपको बच्चों सर्किट ऑफ को दिखाएगा। बस समझ में आ रही है, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, वन आपका सर्किट ऑन होगा उसको दिखाएगा, ठीक है, यानी इस तरह बंद अगर आपको शो हो रहा होगा तो याद रखना वहाँ पे सर्किट ऑन होगा, और जहाँ पे आपको जीरो सिंबल दिख रहा होगा वहाँ पे इसका मतलब होगा सर्किट वहाँ पे ऑफ होगा स्टैंड। ठीक है, तो अब देखिए मैं बारी बारी से इनके बारे में बात करूँगा। पहले हम बात करेंगे ओर गेट की, ठीक है, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, तब मैं इसकी डेफिनेशन को बताऊँगा ओर गेट की, फिर इसका बूलियन व्यंजक सत्य सारणी सबके बारे में डिस्कस करूँगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आप इसको नोट कर चुके होंगे। अब देखिए मैं थोड़ा इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है, और देखिए मैं अब केवल एक पहले हम पढ़ेंगे ओर गेट के बारे में। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो देखिए स्टैंड पहले हम बात करेंगे ओर गेट की। तो देखिए ओर गेट को पहले देखिए, पहले सिंबल आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, देखिए, तो देखिए स्टैंड ओर गेट, देखिए तो पहले नंबर पर हम ले रहे हैं पहले ही वाला आपको बच्चों क्या है? ओर गेट। क्या बच्चों? ओर गेट, ठीक है, ये क्या होगा ध्यान से समझें। देखो स्टैंड अगर हम इसके प्रतीक की अगर बात करूं तो प्रतीक इसका कुछ बच्चों ऐसे बनता है। देखिए कैसे बनता है, थोड़ा मैं इसको नीचे से दिखा रहा हूं ताकि मैं इसके डेफिनेशन को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं। तो स्टैंड ये जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये आपका ओर गेट का प्रतीक है। क्या बच्चों? ये आपका ओर गेट का प्रतीक है, ठीक है। अगर आपसे इसका प्रतीक पूछा जाए तो ओर गेट का प्रतीक क्या बच्चों? ये है, जहाँ ये जो ए है
और ये क्या बच्चा आपका वी है। ये ए और बी जो कहलाते हैं बच्चा आपके निवेशी सिग्नल कहलाते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? निवेशी सिग्नल कहलाते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। यानी इनको इनपुट सिग्नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इनपुट, इनपुट सिग्नल बोलते हैं, ठीक है। और ये जो आपका बाई है, ठीक है, बात समझ में, इसको बोलते हैं बच्चों हम यहाँ पे ए और बी क्या है, ठीक है, आपके इनपुट सिग्नल है या निवेशी सिग्नल है। और जो आपका वाई है बच्चों, ये क्या आपका आउटपुट है। क्या बच्चों? आउटपुट सिग्नल यानी निर्गत सिग्नल, ठीक है, बस समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, अब देखिए स्टैंड, ये जो ए और बी जो मैंने आप और ये बाई आपको दिखाया है, इसको कैसे समझेंगे उसको समझें। देखिए स्टैंड, तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन को समझा देता हूँ, तब मैं ए और बी के बारे में आपको समझाऊंगा कि ये ए और बी कैसे काम करेंगे और बाई हमें कैसे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पहले इसके केवल डेफिनेशन की बात करें, और गेट की डेफिनेशन क्या बनेगी ध्यान से समझें। डेफिनेशन ये है बच्चों कि ओर गेट एक ऐसी युक्ति है, ओर गेट एक ऐसी युक्ति है जिसमें दो निवेशी सिग्नल होते हैं, यानी यहाँ से सिग्नल हम पास कराएंगे और यहाँ पे हमें प्राप्त होगा, ठीक है। तो ओर गेट बच्चों एक ऐसी युक्ति होती है जिसके अंदर दो निवेशी सिग्नल होते हैं, यानी दो इनपुट होते हैं, और हम और एक क्या होता है, एक क्या होता है बच्चों? निर्गत सिग्नल होता है, यानी दो निवेशी सिग्नल और एक क्या होता है? निर्गत सिग्नल होता है। और एक बात हमेशा याद रखना बच्चों कि किसी भी गेट के अंदर निवेशी सिग्नल तो दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, लेकिन निर्गत सिग्नल हमेशा एक ही होता है। याद रखें, फिर से बता रहा हूँ, किसी भी गेट के अंदर आपके निवेशी सिग्नल यहाँ दो दिखा रहा हूँ, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है, लेकिन निर्गत सिग्नल हमेशा बच्चों क्या होता है? एक ही होता है। इस बात को याद रखना, ठीक है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ और गेट की क्या है। देखो वह युक्ति जिसमें दो निवेशी सिग्नल तथा एक निर्गत सिग्नल होता है, ठीक है, कोमा क्या कहलाता है? और गेट कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? और गेट कहलाता है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में अच्छे से आई होगी स्टूडेंट, ठीक है, और गेट कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन हो गई वह युक्ति जिसमें दो निवेशी सिग्नल हैं, ठीक है, एक हमें क्या प्राप्त होता है? निर्गत सिग्नल होता है, ठीक है, दो निवेशी सिग्नल तथा एक निर्गत सिग्नल होता है। क्या कहलाता है बच्चों? और गेट कहलाता है, ठीक है। और ये जो है बच्चों आपका और गेट का क्या है बच्चों? और गेट का क्या है? ये प्रतीक है, ठीक है। और इसका बूलियन व्यंजक क्या होता है? कहेंगे इसका बूलियन व्यंजक क्या होता है बच्चों? ए प्लस बी इजिकल टू बाई। आपको देखने में ये लग रहा है ए प्लस बी इजिकल टू बाई, लेकिन इसको पढ़ते कैसे हैं बच्चों? इसको पढ़ते हैं ए और वी इक्वल्स बाई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चों? इसको पढ़ते हैं बच्चों ए और वी इक्वल्स बाई। हम प्लस नहीं बोलना होता है, ठीक है। इसका बुलियन व्यंजक क्या होगा बच्चों? ए और वी इक्वल्स बाई। ये इसका क्या बच्चों? ये बुलियन व्यंजक। इसका और गेट का बुलियन व्यंजक, ठीक है स्टैंड। बस समझ आ रही आप लोगों को, पढ़ने का तरीका समझ में आ गया। क्या होता है? ए और v इक्वल्स बाई, ठीक है, बात समझ आप लोगों को। तो इसका बूलियन व्यंजक a प्लस v इक्वल्स बाई होता है स्टूडेंट, ठीक है। पढ़ने का तरीका मैंने आपको बता दिया, क्या पढ़ते हैं इसको? a और v इक्वल्स बाई पढ़ते हैं स्टूडेंट, ठीक है, बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट, अब हम बताएंगे a और v ये बाई क्या है स्टूडेंट, ठीक है, कैसे सर्किट के अंदर काम करेंगे, ठीक है। तो आप इसकी डेफिनेशन को नोट कर लीजिए, अब मैं इसको रब करूंगा, ठीक है। अब मैं इसकी सत्यता सारणी को बना करके दिखाऊंगा, चलिए इसको नोट कर लीजिए स्टैंड। तो आई होप आप इसको नोट कर चुके होंगे। देखिए अब हम बात करेंगे इसके सत्यता सारणी की, ठीक है। तो मैं इसकी डेफिनेशन को ऊपर से रब कर रहा हूं। देखिए सत्यता सारणी कैसे बनाएंगे, तभी आपको निवेशी और निर्गत सिग्नलों में फर्क पता चलेगा कि इनमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो देखिए स्टैंड, बात करेंगे हम
सत्यता सारणी की। सत्यता सारणी कैसे बनाएंगे, ठीक है, ये आपसे आना चाहिए और एक बार आप इसको देख लेंगे तो इसको कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरा मानना। सत्यता सारणी, सत्यता सारणी कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझें, यानी इसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल, ठीक है, बात समझ आ रही है। मान लीजिए, देखिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, उसकी हेल्प से आपको समझाऊंगा, ठीक है। ध्यान से समझे, ठीक है। और मान लीजिए स्टैंड, यहाँ पे हमने कोई बैटरी अप्लाई कर रखी है, मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई एनर्जी सोर्स यहाँ पे लगा रखा है, बैटरी लगा रखी है, जहाँ से हमें सर्किट को चलाना है स्टैंड, ठीक है, बात समझ में आप लोगों को। मान लीजिए हमें यह जो करना है बच्चों, यहाँ बल्ब जलाना है, क्या जलाना है बच्चों, बल्ब जलाना है ये, ठीक है स्टैंड। तो बच्चे ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। और ये जान से जान समझें, ये बच्चा आपका ए है, ये आपका बी है, और यहाँ जो बच्चा, ये आपका आपका बच्चा क्या है, ये वाई, ये क्या बच्चों, वाई स्टैंड, ठीक है, ध्यान समझें। ये आपका क्या बच्चों, ए, ये आपका बी, ये दो स्विच मैंने लगा रखे और यहाँ पे हमें बल्ब को चलाना है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो पहले मैं कंडीशन को देख लेता हूँ, देखिए पहले मैंने क्या लिया, ए लिया है, ठीक है, एक फिर मैंने क्या लिया बच्चों, ये वी लिया है, और आपके पास ये क्या आपका बच्चों, आपका वाई, वाई जो होता है बच्चों क्या होता है, वो ठीक ए प्लस वी के बराबर ही होता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए कुछ स्टेप्स आप इसके टेबल बनाएंगे, कुछ स्टेप्स बच्चों आप इसी का बनाएंगे टेबल बनाएंगे, ठीक है। अब समझे, देखो इसको अब क्या समझेंगे, ध्यान से समझें, एक टेबल और बना लेंगे, थोड़ा इसको मैं नीचे कर लेता हूँ, ये चलिए अब शुरू करते हैं, देखिए ठीक है स्टैंड, ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, तो करंट यहाँ से सप्लाई होगा, करंट यहाँ से सप्लाई होगा, बात समझिए आप लोगों को, ठीक है, जब यहाँ से सप्लाई होगा स्टैंड, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ, अगर मैं बच्चों ये कहूँ कि ये भी टर्मिनल, यानी ये वाला भी स्विच और ये वाला भी स्विच क्या हो बच्चों, ओपन हो, ओपन का मतलब दोनों क्या आप देख पा रहे होंगे एक दूसरे कॉन्टैक्ट में, ये भी ऑफ है और ये भी ऑफ है, बात समझ में आ रही है। तो आप मुझे बताइए कि ये बल्ब जलेगा या ना जलेगा, बताइए सोच करके। देखिए स्टैंड, ये वाला जो टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है, दोनों ही क्या बच्चों ऑफ है, ऑफ का आप देख रहे कि एक दूसरे कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहे हैं, यानी दोनों कुंजी क्या बच्चों आपकी खुली हुई है, यही तो सिग्नल है बच्चों आप लोगों को, ठीक है। ये यानी ए और बी क्या बच्चों आपके निवेशी सिग्नल है, ठीक है, जहाँ बाई क्या आपका निर्गत सिग्नल है, ठीक है। हमें ये देखना है कि ए बी को खुला छोड़ने पर या ए को बंद करने पर बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा। तो देखिए पहला केस हम लेंगे जब हमने दोनों ए और बी को क्या करा बच्चों, खुला छोड़ दिया, यानी जब खुला छोड़ दिया तो ए में सिग्नल भी नहीं आएगा और बी में भी सिग्नल नहीं आएगा, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो यहाँ पर बाई ये बल्ब जलेगा क्या, नहीं जलेगा, जब नहीं जलेगा तो बाई भी क्या दिखाएगा, जीरो को दिखाएगा, यानी कहने का मतलब ये है कि अभी हमने इसको भी ऑफ रखा है, इसको भी ऑफ रखा है। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि जब सर्किट आपका बच्चों ऑफ होता है, क्या होता है बच्चों, सर्किट आपका ऑफ होता है बच्चों, ऑफ तो क्या दिखाता है वो, इस तरह आपको जीरो को दिखाता है, ठीक है। और आपका सर्किट अगर बच्चों आपका क्या होता है, ऑन होता है, क्या होता है, ऑन होता है, तो क्या दिखाता है आपको, इस तरह एक को दिखाता है, बात समझ रही है आप लोग को, ठीक है। तो अभी मैं ये कह रहा हूँ पहले किस्म में कि ये भी ऑफ है और ये भी ऑफ है, तो ये भी जीरो को दिखाएगा, ये भी जीरो को दिखाएगा, और जब ये दोनों ऑफ है तो यहाँ से करंट तो आगे सप्लाई होगा नहीं, यहाँ तक तो करंट पहुँच ही नहीं पाएगा, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो यहाँ पे भी बल्ब नहीं चलेगा तो बाई भी जीरो होगा, बाई भी क्या होगा बच्चों, जीरो होगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अच्छा दूसरी बात, मान लीजिए हम ये कह रहे हैं कि हम ए को तो बच्चों क्या कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, ए को हम ऑन कर रहे हैं, तो ए को जब ऑन कर रहे हैं तो उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, बंद लिखना पड़ेगा, मैंने बताया ना कि ऑन होता है तो बंद लिखते हैं, ठीक है। अच्छा बी को हम खुला छोड़ना है, खुला छोड़ना है इसका मतलब क्या होगा बच्चों, जीरो रहेगा क्योंकि इसको हमने अभी ऑफ रखा है, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताइए बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा, जी बिल्कुल जलेगा क्योंकि करंट यहाँ से सप्लाई होगा, और सप्लाई होगा यहाँ से होने के बाद करंट इधर से सप्लाई होकर यहाँ तक आ जाएगा,
बात समझ में आप लोगों को, ठीक है। तो समझ आगे बल्ब जलेगा तो यहाँ पर हम क्या लेंगे बच्चों, यहाँ हम बल्ब लिखेंगे क्योंकि यहाँ हमें सिग्नल मिल रहा है ना, ये बाइक का इंद्र का सिग्नल है, ठीक है। तो यहाँ से तो हमें सिग्नल में एंड करंट यहाँ तक आ जाएगा, बल्ब जल जाएगा यानी हमें सिग्नल यहाँ पे प्राप्त हो गया, तो क्या रहेगा ये बंद रहेगा। अच्छा सेकंड केस क्या है, सेकंड केस हो गया। थर्ड केस क्या है, हम मान लीजिए ए को तो खुला छोड़ रहे हैं, ए को हम क्या कर रहे हैं, ए को हम खुला छोड़ रहे हैं, ठीक है। अब हम बी को ऑन कर रहे हैं, ए को खुला छोड़ रहे हैं, तीसरी कंडीशन में तो ये तो आपका जीरो रहेगा और ये क्या रहेगा आपका बंद रहेगा। बस समझ आ रही है, तीसरे केस में क्या रहेगा, ए को हमने खुला कर दिया यानी खुला छोड़ दिया, बी को हमने ऑन कर दिया, ऑन कर दिया इसका मतलब बंद हो गया। अब बताइए बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा, बिल्कुल जलेगा भाई, करंट यहाँ से तो सप्लाई नहीं हो पाएगा आए को, लेकिन यहाँ से तो करंट आ जाएगा ना, यहाँ तक करंट यहाँ से तो यहाँ तक आ जाएगा ना, बस समझिए आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे बल्ब जलेगा यानी हमें बल्ब जलेगा यानी सिग्नल इसका भी हमें बंद के बाहर मिलेगा, ठीक है। अब हम ऐसा कैसे लेंगे बच्चों, क्या हम ए को भी ऑन करेंगे बी को भी ऑन करेंगे, तो कर लीजिए, हमने इसको भी ऑन कर दिया इसको भी ऑन कर दिया। अब जब दोनों को ऑन कर दिया तो देखिए स्टैंड, इसको भी बंद कर दिया हमने, इसको भी बंद कर दिया, तो मुझे क्या बंद यहाँ पर बल्ब जलेगा, बिल्कुल जलेगा, बस हम आ रही है। तो यहाँ पर एक और एक दो मत कर देना, क्योंकि बाइनरी नंबर में बच्चों हम केवल दो ही संख्याओं का यूज करते हैं, दो ही डिजिट का यूज करते हैं, जीरो और वन, जीरो और वन, ठीक है। तो अगर हमें सिग्नल मिल रहा है यानी ए और बी को ऑन करने में बल्ब जल रहा है तो हम वन ही लिखेंगे, ठीक है, यानी क्योंकि हमें बल्ब जल रहा है, हमें सिग्नल प्राप्त हो रहा है इस टाइम, ठीक है। तो बच्चों ये जो रही आपकी ओर गेट की, क्या बच्चों सत्यता सरणी रही, ठीक है। ये ओर गेट का बच्चों क्या रहा आपका प्रतीक रहा, ठीक है। और इस डायग्राम को बनाना नहीं होता, ये बच्चों एक्स्ट्रा में आपको मैंने इसकी सत्यता सरणी बनाने के लिए आपको समझा, तो ये एक्स्ट्रा चीज है बच्चों, ये आपको एग्जाम में बनाने नहीं आएंगी स्टैंड, ठीक है। इसकी हेल्प से मैंने इसकी सत्ता सारणी को खींच करके समझाया स्टैंड, ठीक है। पसंद आ रही है, एक बार फिर से बता रहा हूँ, देखिए जब ए और बी में कोई सिग्नल नहीं था यानी ए और बी से करंट पास नहीं हो रहा तो करंट यहाँ तक नहीं आएगा स्टैंड, ठीक है। उस केस में क्या होगा, बल्ब नहीं जलेगा, इसलिए ए भी जीरो रहेगा, वाई भी जीरो रहेगा, ठीक है। जब हमने सेकेंड केस में क्या करा, हमने ए को ऑन करा बी को ऑफ करा, ठीक है, ए को ऑन करा इसलिए बन है, बी को ऑफ करा इसलिए जीरो है, बल्ब जल जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, सिग्नल मिलेगा, इसलिए हम इसको बन लिख रहे हैं, ठीक है। सेकंड केस में, थर्ड केस में क्या करा, इसको ऑफ करा इसको ऑन करा, बस समझ आप लोगों को। तो ए में सिग्नल नहीं है, बी में सिग्नल है, ठीक है, इसलिए हमें बाई में सिग्नल मिलेगा क्योंकि यहाँ बल्ब जलेगा, ठीक है। इसी प्रकार थर्ड केस में ए में भी सिग्नल है बी में भी सिग्नल, यानी हम दोनों को ऑन कर दिया तो हम बल्ब जलेगा, इसलिए हमें बाई को भी हमें बंद लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार आपने देखा ये और गेट की बात क्या सत्यता सरणी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम बात करेंगे आप एंड गेट की, चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए हम बात करेंगे बच्चों एंड गेट के बारे में, ठीक है। चलिए देखिए स्टैंड, मैं इसको अपरअप कर रहा हूँ, आप समझेंगे एंड गेट को, ठीक है। तो चलिए इसको हम रखिए देते हैं और आपको समझाते हैं बच्चों। आप एंड गेट के बारे में तो देखिए स्टैंड, दूसरा हम पढ़ेंगे बच्चों एंड गेट, क्या पढ़ेंगे बच्चों एंड गेट, ठीक है। क्या होता है देखिए स्टैंड, पहले मैं इसका प्रतीक खींच के आपको दिखाई देता हूं। तो प्रतीक देखिए एंड गेट का बच्चों क्या होता है, तो स्टैंड ये आपका एंड गेट का प्रतीक हो गया। ये क्या बच्चों आपका एंड गेट का प्रतीक है, किसका है बच्चों एंड गेट का लॉजिक प्रतीक, ठीक है, बस समझ में आ रही है। तो इसका जो बुलियन व्यंजक होता है वो क्या होता है बच्चों, ए इंटू बी इज इक्वल टू बाई, लेकिन पढ़ते कैसे हैं इसको, ए एंड बी इक्वल्स बाई, क्या पढ़ते बच्चों ए एंड बी इक्वल्स बाई पढ़ते, ये इसका बुलियन व्यंजक, क्या बच्चों ये इसका बुलियन व्यंजक है, ठीक है। वसंतरी जहाँ ए और बी के आपके निवेशी सिग्नल है और वाई के आपके बच्चों निर्गत सिग्नल है, बस हमें आपको तो डेफिनेशन बहुत आसान है, लिख सकते हैं क्या है देखिए, यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें दो निवेशी सिग्नल होते हैं तथा एक निर्गत सिग्नल होता है, बस समझ आ रही है। डेफिनेशन वही और गेट की तरह है, डेफिनेशन वही और गेट की तरह है, उसमें भी दो निवेशी सिग्नल थे और एक आपका निर्गत सिग्नल था, तो डेफिनेशन बिल्कुल सेम वही है,
यानी एंड गेट एक ऐसी युक्ति होती है, ऐसे लिख सकते हैं एंड गेट एक ऐसी युक्ति होती है ठीक है, जिसमें दो निवेशी सिग्नल तथा एक निर्गत सिग्नल होता है। बात समझ रही है आप लोगों को? तो डेफिनेशन बच्चों आप इसको सेल्फ लिख लीजिए, ताकि मैं लिखूँ तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब मैं देखिए इसके आपकी इसकी सत्यता सारणी को आपको बता रहा हूँ ठीक है। तो इसका एंड गेट का लॉजिक प्रतीक ये हो गया, बुलियन व्यंजक ये हो गया, सत्यता सारणी मैं खींच के दिखा रहा हूँ ठीक है। बात समझ आ रही है आपको? जितना ही पूछा जाएगा किसी भी गेट में, उसकी परिभाषा, लॉजिक प्रतीक, बुलियन व्यंजक और सत्यता सारणी ठीक है। तो डेफिनेशन मैंने आपको बोल दी है, एंड गेट एक ऐसी युक्ति होती है ठीक है, जिसमें दो निवेशी सिग्नल होते हैं और एक निर्गत सिग्नल होता है ठीक है। इसका बुलियन व्यंजक ये होता है, जिसे हम क्या पढ़ते हैं, ए एंड बी इक्वल्स बाई पढ़ते हैं। बात समझ आ रही आप लोग को? अब बात करेंगे इसके हम सत्यता सारणी की। किसकी बच्चों? सत्यता सारणी। चलिए ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझे स्टैंड ठीक है। तो देखिए स्टैंड, फिर से मैं आपको बताता चलूँ सत्यता सारणी कैसे बनाते हैं, वही एक सहायक डायग्राम में आपको बता रहा हूँ ठीक है। फिर से हमें कोई बल्ब जलाना है, ये मान लीजिए आपने कोई एनर्जी सोर्स या बैटरी लगा रखी है ठीक है, ये बैटरी है स्टैंड ठीक है। और मान लीजिए इधर कहीं आप कोई बल्ब जलाना चाह रहे हैं, क्या जलाना चाह रहे हैं बच्चों, बल्ब। ये मान लीजिए यहाँ पे आप इसको बल्ब को जला रहे हैं ठीक है। तो बच्चों ये आपका ए है और ये बच्चा आपका वी है ठीक है। इसको मैं थोड़ा और अच्छे से बनाता हूँ स्टैंड, ये ठीक है, ये क्या बच्चा आपका बल्ब है और ये क्या बच्चा यही आपका वाई है ठीक है। बात समझ आ रही है? तो देखिए पहले मैं इसके सिग्नलों को लिख लेता हूँ। ये आपका ए है बच्चों, ये आपका वी है और ये बच्चों आपका क्या है, बाई। बाई जो होगा बच्चों आपका ए इंटू वी के बराबर होगा। बात समझ आ रही है आप लोगों को ठीक है? तो चार कंडीशन इसमें भी रहेंगी जो अभी हमने पढ़ा था, और बहुत आसान है, देखिए बहुत अच्छा समझ में आएगा। और एक बार इसको देख लेंगे तो कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी इस टॉपिक में, देखिए ध्यान समझिए आप। देखिए स्टैंड, फिर वही कैसे, देखिए ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, करंट इधर से सप्लाई होगा, इधर से सप्लाई होगा, यानी ये करंट आएगा। देखिए स्टैंड, पहले केस में अगर ये दोनों टर्मिनल ऑफ है, दोनों टर्मिनल ऑफ है तो क्या रहेगा, दोनों में जीरो रहेगा। ऑफ क्या दिखाता है बच्चों, जीरो को दिखाता है। तो चलिए देखिए पहले हम बनाते हैं, देखिए ए भी ऑफ है, वी भी ऑफ है, यानी ए में भी सिग्नल नहीं है, सिग्नल मतलब करंट नहीं है ना, ए में भी सिग्नल नहीं है, बी में भी सिग्नल नहीं है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को ठीक है, क्योंकि दोनों को हमने क्या रखा कर रखा है बच्चों, क्योंकि ए अपने अंदर करंट को पास नहीं होने दे रहा है ठीक है। तो दोनों ही ऑफ हैं, तो दोनों क्या दिखाएंगे, जीरो जीरो दिखाएंगे। तो क्या बल्ब जलेगा, बल्ब बिल्कुल नहीं जलेगा, और नहीं जलेगा तो बाई बी क्या होगा बच्चों, आपका जीरो होगा। फर्स्ट केस तो ये हो गया। सेकंड केस क्या क्या, मान लीजिए हम इसको तो बच्चों कर रहे हैं ऑन कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, बंद हो जाएगा ठीक है। अच्छा इसको ऑफ रहने दें, अब ऑफ रहने देंगे तो ये जीरो रहेगा। अब मुझे बताइए बल्ब जलेगा, बिल्कुल नहीं जलेगा, करंट यहाँ तक तो आएगा, ऐसे आएगा करंट नहीं आएगा, तो बल्ब नहीं जलेगा, तो ये भी क्या बच्चों आपका जीरो रहेगा। थर्ड केस क्या कर रहे हैं हम, इसको क्या रहने दे रहे बच्चों, आपको बता रहे हैं इसको ऑफ रहने दे रहे हैं, और इसको बच्चे कर रहे हैं इसको आप क्या ऑन कर रहे हैं। तो ए को हमने क्या करा थर्ड केस में, ऑफ करा, और वी को हमने ऑन करा, तो क्या हमें बल्ब जलेगा, बिल्कुल नहीं जलेगा, क्योंकि करंट यहाँ से आएगा, सप्लाई नहीं होगा, इसको ऑन करके कोई फायदा नहीं है ठीक है। तो ये बल्ब नहीं जलेगा, सिग्नल नहीं मिलेगा, ये भी आपका जीरो रहेगा। अब थर्ड केस क्या, हमने ए को भी ऑन कर दिया स्टैंड, फोर्थ केस में वी को भी ऑन कर दिया, तो ऑन कर दिया दोनों बन को दिखाएंगे, यानी ये भी बन और ये भी बन ठीक है। तो देखिए अब करंट तो बिल्कुल सप्लाई हो जाएगा ठीक है, तो करंट सप्लाई होगा दोनों सिग्नलों में ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या बल्ब जलता हुआ दिखाई देगा, इसलिए क्या बच्चा आपका बन आएगा। तो बच्चों ये आपकी एंड गेट की सत्यता सारणी है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात यहाँ तक अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी स्टैंड ठीक है। तो इसका ये लॉजिक प्रतीक है, ये इसका बुलियन व्यंजक है, ये इसकी सत्यता सारणी है ठीक है। ये आपका सह डायग्राम है, इसको चाहे एग्जाम में मत बना करके आए, आपको ये चीज़ आनी चाहिए स्टैंड ठीक है। बनाए आओगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है स्टैंड। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि मैं आगे की बात को आपको समझा पाऊँ। चलिए नोट कर लीजिए, स्टैंड देखिए अब हम बात करेंगे। देखिए स्टैंड, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, आपका जो तीसरा टाइप रह गया है अर्थात जो आपका बच्चों नोट गेट रह गया, हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे ठीक है। आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।